डेमो के दौरान स्टंट दिखाता हुआ मैन भाई। किसान भाई और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लगा ट्रैक्टर कैटेगरी का, और ये भी 60 HP कैटेगरी में आता है, ट्रैक्टर 58 HP में आता है, तो पर टर्बो चार डेमो के दौरान स्टंट दिखाता हुआ मैन मैसी 72-50। स्वराज 763 FE 4x4 बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, वेट लगा हुआ आगे। जबरदस्त काम कर रहा है, 10 फुटर रोटावेटर है। आई मैसी 995 का एक स्टैंड दिखाता हूँ आपको मैं भाई। किसान भाई और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना, तो देख सकते हो 4x4 है 9500। इनका सुबह 8 बजे डेमो चल रहा, मैं थोड़ा सा आने में लेट हो गया, पर लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ अच्छा खासा कंक्लूजन दिखा दूंगा। टाइटल शिफ्ट गियर बॉक्स के अंदर ट्रैक्टर के सेम चाल में आगे चल सकता है, सेम चाल में पीछे। FE 10 फुटर रोटावेटर है। अब रोटावेटर किस कंपनी का है मैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। वाइगार्ड जबरदस्त रोटावेटर है, हाई लो मीडियम के साथ गियर बॉक्स अच्छा है ट्रैक्टर में। और आज भी अपना आपने जबरदस्त कंपनी है, ये देख सकते हो कितनी छोटी चाल में मुड़ के ट्रैक्टर। चांद में सो पैलेंटर ड्राइव 10 फुट रोटावेटर पे जुड़ता हुआ, देखते हैं इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। स्वराज 963 तो भाई बड़ जबरदस्त चला ट्रैक्टर, एक बार 95 में भी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। मिलते हैं जुड़ने के बाद सीधा जब ट्रैक्टर फील्ड में उतरता है। स्वराज 963 का दूसरा राउंड चलेगा जो कि 11 क्रूप का है बिना स्प्रिंग वाला टीलर, तो उसको भी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस बैठता है और कैसा ट्रैक्टर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है ना। मैसी के 3 ट्रैक्टर हैं, 95 स्मार्ट भी है और ये नॉर्मल 95 है, दोनों 4x4 है। आगे वेट लगा हुआ है इन पर भी और उस पर वेट लग रहा है, देख सकते हो 95 पर खड़ा, ये 72-50 है, ठीक है ना। ये स्वराज का एक ही 963 FE, अभी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस निकालता है अपना ट्रैक्टर। वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो देख सकते हो ट्रैक्टर चल पड़ा, 11 का टीलर है, बिना स्प्रिंग वाला है 11 का टीलर, कोई धुआं नहीं है। ये भी 60 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 60 HP का ट्रैक्टर है कैटेगरी का, और ये भी 60 HP कैटेगरी में आता है ट्रैक्टर, 58 HP में आता है, तो पर टर्बो चार्ज है। इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो,
मेसी की सेंसिंग जो करने की क्षमता है वो सबसे अच्छी आती है, सबसे अच्छा सेंस करता है, जो इसका जो हेड ओली होता है ना सेंस, एडीडी सेंस जिसे हम बोलते हैं, सबसे अच्छी मेसी करता है। इसलिए मेसी सबसे कम लोड मानता है, क्योंकि ये अपना रोटावेटर को जैसे फंसता हुआ देखता है उसे ऊपर उठा देता है अपना आप ही ऑटोमेटिकली। ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली अपना आप ही ऊपर उठा देगा। तो स्वराज क्या धाड़ता आ रहा है, 963 मेरा फेवरेट ट्रैक्टर है अपना आप, जबरदस्त ट्रैक्टर चलता है, 60 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो टीलर भी काफ़ी अच्छे ढांस रखे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त कार्य कर रहा है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर डेमो ले रहे हैं। यहाँ 4 का पलटू हुआ हल भी चलाया गया था, अगर वो अब भी चलाएगा तो मैं आपको अब भी दिखा दूँगा, क्योंकि मैं लेट हो गया था, मैंने जैसा आपको बताया है देख सकते हो। अब ट्रैक्टर जो चला रहे हैं किसान भाई चला रहे हैं, जिन्हें ट्रैक्टर खरीदना है डैम होने के लिए है स्पेशली, इन्हें ट्रैक्टर लेना है, इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है अस्तनापुर में। तो ये देख सकते हो पूरा टीलर जो गियर के इसके बिल्कुल नीचे जब चला रहे हैं ट्रैक्टर, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। धुआं तो ट्रैक्टर दिखाना बिल्कुल भी, बहुत स्लो RPM पे ट्रैक्टर की पावर देख रहे हैं, स्लो RPM पे चला करके कि ट्रैक्टर कैसे चलता है। तो पिछान में से स्मार्ट है, जैसे खेत में भगा करके देख रहे हैं ट्रैक्टर को कैसे चलता है। इधर देख सकते स्वराज मैसी स्मार्ट में भी देख सकते हो, रिवर्स में भी इतनी ज़बरदस्त स्पीड है, क्योंकि इसमें सैडल शिफ्ट गियर बॉक्स है, जितनी स्पीड में आगे को जा सकता है उसी स्पीड में पीछे को आ सकता है ट्रैक्टर। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जरूर जाना, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर करना से अपने दोस्तों में, ठीक है ना। MB पुलाव जोड़ रहे हैं शायद इसके अंदर, ये देखते हैं, अगर ये MB पुलाव चलाते हैं तो मैं आपको उसकी डेमो जरूर दिखाऊंगा। दूसरी वीडियो आएगी इसकी MB पुलाव अगर चलता है तो मैं उसको दिखाऊंगा। इस वीडियो के लिए यहीं पे हम वीडियो को स्विच ऑफ करते हैं अपनी, और इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बन जाएगी तो उस वीडियो को हम दोबारा देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।